दीक्षा क्लिनिक में स्वागत है आपका। है मैं डॉक्टर अमरपाल राठौर। नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन घंटी अवश्य बजाएं। आपको नमन। आप सदैव निरोग रहे। क्यों बेटियां मर रही हैं? टीवी पे ऐड आता है सिर्फ एक कैप्सूल 72 घंटों के अंदर अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा। बिना दिमाग की लड़कियां फॉर्म में, हर हफ्ते नया बॉयफ्रेंड, सेक्स फिर गोलियां जिसका ना कंपोजिशन पता होता है ना कॉन्सेप्ट, बस निगल जाती है। इन फेक गोलियों में आर्सेनिक भरा होता है। यह 72 घंटों के अंदर सिर्फ बनने वाले भ्रूण को खत्म नहीं करता बल्कि पूरा का पूरा फर्टिलिटी सिस्टम ही कट कर देता है। शुरू में तो गोलियां खाकर सती सावित्री बन जाती है लेकिन शादी के बाद पता चलता है ये बांझ बन गई, अब मां नहीं बन सकती। तो सबको पता चल जाता है इनका भूतकाल कैसा रहा है, पर कोई बोलता नहीं। जिंदगी खुद अभिशाप बन जाती है। पहली चीज प्रेग्नेंट नहीं होना तो सेक्स क्यों? और दूसरी चीज आशा, ANM, आंगनवाड़ी, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र क्या झकमराने के लिए है? सरकार हर साल मातृत्व सुरक्षा के नाम पर करोड़ों फूंक देती है और आपकी जुल्मी लड़कियां खुद डॉक्टर बन जाती है। आज हालत ये है, 13-14 साल की बच्चियां बैग में आई पिल लेकर घूम रही है। ये मरेंगी नहीं तो क्या होगा? कभी समय निकाल कर अपनी बेटी या बहन का बैग भी चेक कर लिया करो। हर साल लाखों बच्चियां बच्चेदानी के कैंसर से मर जाती हैं। उसका एकमात्र कारण माता पिता और भाई की लापरवाही। नोट, हमारी बात बहुत सी महिलाओं को बुरी लग सकती है, मगर लाडलियों, ये पोस्ट तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराने के लिए है। अगर फिर भी आपको बुरा लगे तो करबद्ध माफी मांगते।